वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमनीर एकेडमी। माय नेम इज सिमरनजोत सिंह एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर सीरीज दैट वी आर ऑलरेडी सॉल्विंग एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 10th एंड वी आर एट द चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। ओके, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डन इट अप टू एग्जाम्पल 7। नाउ वी विल डू द एग्जाम्पल 8 एंड आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, so first of all let us do the example. In the figure x, this is the figure x. cm is and rn are respectively medians of triangle abc. so what is a median? basically kai bachcho ko pata hoga, shayad pehle se hi kaiyon ko nahi pata hota. koi bhi triangle aap le lete hain, aise main thoda teda sa bana leta hu, ye to bilkul seedhe bane hain na, to thoda sa alag lete hain. koi bhi ek triangle hai, hum baat kar lete hain def ki. अगर मैं बात करता हूँ डी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट जो साइड है उसके ऊपर मीडियन ड्रॉ करना है, तो क्या मतलब उसका ई एफ का मिड पॉइंट है ना, जो कुछ भी ले लेते हैं, चलो इसको हम क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ जो वर्टेक्स है डी, उसके ऑपोजिट मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देना, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, तो डी क्यू क्या होएगा फिर? मीडियन ऑफ दैट ट्राइंगल। मीडियन का मतलब जे जहां से शुरू हुआ है, जो जिस वर्टेक्स से शुरू हो रहा है उसके ऑपोजिट वाली साइड की तरफ जाएगा और टच कहाँ पे करेगा? उसके मिड पॉइंट पे, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा। दैट मींस ये वाला मिड पॉइंट, ये दोनों ई क्यू एंड क्यू एफ विल बी इक्वल टू ईच अदर। इधर भी ऐसा ही है। ओके, आर एन इसके ऊपर मिड पॉइंट है, आर से इधर जा रहा है, तो क्यू एन एंड एन पी आर इक्वल है ना, और सी एम भी मीडियन है, तो दैट मीन्स एम मिड पॉइंट है, ए एम एंड एम बी आर इक्वल मीडियंस हो गए। और ये भी दिया हुआ है हमें, ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है। प्रूव दैट ए एम सी इज सिमिलर टू पी एन आर। ए एम सी इज वॉट? दिस इज ए एम सी, दिस पार्ट एंड दिस इज पी एन आर। सो बहुत ईजिली प्रूव हो जाएगा ये, तो लेट्स डू इट। आपको पता चल रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक इतना है हमारा गिवन, और ये प्रूव दैट में टू प्रूव में जो लिखा हुआ सारा प्रूव दैट वाला वो आएगा, ठीक है। हम लिखेंगे सीधा प्रूफ। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सिंस ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईक्यूआर, दिस इज गिवन ना। ओके, अगर ये दोनों सिमिलर हैं, तो दैट मीन्स इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सारी जो है हम रेशियो बराबर लिख सकते हैं और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल लिख सकते हैं। सो ए बी ये साइड है पी क्यू है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी आर, हो सकता है ये बाय CPSD corresponding parts of similar triangle, and also we can write क्योंकि हमने ये वाला AMC और PNR triangle AMC और PNR equal prove करने हैं, similar prove करने हैं, तो एक एक angle ये वाला भी लिख लेते हैं equal, वो मैं इसका reason बाद में बताता हूँ। ये और दूसरे भी prove करने हैं, CMB और RNQ, where is CMB? CMB this, RNQ is this. तो दिस इज ऑल्सो, तो इधर वाले एंगल्स भी इक्वल लिख लेंगे आपस में। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी बाय सीपीएसटी, ठीक है। ऊपर वाले नहीं लिया, इक्वल लिख सकते हैं सी और आर, बट नहीं लेना, जरूरी नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स मूव ऑन टू आर फर्स्ट, उससे मूव ऑन करने से पहले आप देखो हमारे पास ए बी का हाफ, ए एम या एम बी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। सो पहले हम लिखेंगे ये वाला, ये चीज लिख लो, ये वाले ये और लास्ट वाला, क्योंकि देखोगे आप ए एम अगर यहाँ पे आ जाएगा तो, और ए सी दूसरा जो हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स है ना, इनकी रेशियो दो साइड्स की रेशियो बराबर लिख सकते हैं। तो मैं बताता हूं कैसे, पहले आप इन दोनों को लीजिए, टेक इन ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं
इट इज टू टाइम्स ऑफ एम फिलहाल के लिए, सॉरी एम, एंड पी क्यू की जगह लिखते हैं टू टाइम्स ऑफ पी एन, क्योंकि एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ना, क्योंकि सी एम एंड आर एन आर द मीडियन इज इक्वल टू बाकी ए सी अपॉन पी आर, ऐसे रहेंगे। ये हमने 2m 2pn क्यों लिखा है, इसका रीजन बताना है, बिकॉज m एंड n आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। जे एम के मिड पॉइंट्स है, इसलिए डबल ऑफ एम इज ए बी की जगह डबल ऑफ एम आ सकता है, पी क्यू की जगह डबल ऑफ पी एन आ सकता है, ठीक है। तो ये टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ओके, अब देखो ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं, दिस वन एंड दिस वन। नाउ टेकिंग ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर, इनकी रेशियोज देखो, ऑलरेडी हमने इक्वल प्रूव कर दी, ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, दो साइड्स की रेशियो ऑलरेडी इक्वल हो चुकी है। प्रूव्ड अबव। ओके, और एक एंगल भी ऑलरेडी इक्वल लिख चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन, इसका भी रीजन सेम, प्रूव्ड अबव, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब आप देख सकते हैं क्या इनमें वो जो हम चाहते हैं वो बन रहा है, मार्क करके देखो, ये ट्रायंगल ग्रीन वाला और ये ट्रायंगल सॉरी रेड में बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोनों ट्रायंगल्स को, मैं ब्लैक के साथ इनको इनकी साइड्स मार्क करूंगा, ए एम अपॉन पी एन एंड ए सी अपॉन पी आर, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड और इसकी ये दोनों साइड्स रेशियो बराबर है, और इनके बीच में जो दोनों एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो कौन सी सिमिलैरिटी रूल बनया, एस ए एस, साइड एंगल, साइड वाला सिमिलैरिटी रूल बन गया, तो ये वाला एस ए एस हो गया ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, हो गया सिमिलर रूल, ठीक है, एस ए एस सिमिलैरिटी लग गई। सी एम अपॉन आर एन, देखो सी एम किसका पार्ट है, सी एम राइट ग्रीन ट्रायंगल का पार्ट है, आर एन रेड ट्रायंगल का पार्ट है, लिख सकते हैं। एंड ए बी, ए बी क्या है, ए बी डबल ऑफ ए एम है, तो पहले सिर्फ ग्रीन ट्रायंगल का पार्ट लिखेंगे, ए एम अपॉन पी एन, और डबल कर देंगे उसको बाद में, तो हमारा ए बी और पी क्यू आ जाएगा उसकी जगह पे, ठीक है। तो इनके सिमिलैरिटी प्रूव करने के बाद क्या लिख सकते हैं हम, जो हमें चाहिए, सी एम अपॉन आर एन, ए बी अपॉन पी क्यू अभी नहीं लिख सकते, अभी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का हाफ पार्ट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ग्रीन ट्रायंगल का इतना पोर्शन ही हम लिख सकते हैं, उस रेड ट्रायंगल के इतने पोर्शन के इक्वल रेशियो बना सकते हैं, ए एम अपॉन पी एन, फिलहाल के लिए इतना ही बना सकते हैं। अब डबल इसका करेंगे, ऐसे ही कर देना इसको, नेक्स्ट स्टेप जो होगा डबल ऑफ ए एम अपॉन डबल ऑफ पी एन, क्योंकि टू ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी कर दिया, तो कटिंग करके फिर दोबारा वही चीज बन रही है, हमारी जो इक्वेशन है ना उसकी एक प्योरिटी वैसी की वैसी रहनी चाहिए, मतलब जो आगे हम कर रहे हैं बैक वहीं पे जाएंगे तो वही चीज बनती है, क्या वही चीज बन रही होती है। डबल ऑफ ए एम हम लिख सकते हैं ए बी, डबल ऑफ पी एन हम लिख सकते हैं पी क्यू, बिकॉज हमने बताना है, यहां पे लिख देंगे m एंड n आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड
PQ। तो ये हो गई हमारी, एक तो ये चीज हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड थिंग प्रूव। अब रह गई तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या, ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। ओके, अब ये भी वैसे ही करना जैसे हमने पहले वाला किया था। पहले वाले में हमने क्या किया था, दो रेशियोज उठाई थी, ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर, क्योंकि हमारे उन ट्राइंगल्स में ए सी अपॉन पी आर वाली हमें चाहिए थी। अब ये वाली तो सेम होएगी, ए बी अपॉन बी क्यू तो उठानी उठानी है, इक्वल टू में बी सी अपॉन क्यू आर वाली उठा लेंगे, बी सी अपॉन क्यू आर। सेम ऐसे प्रोसेस चलेगा, डबल ऑफ ए एम डबल ऑफ पी एन लिखेंगे कटिंग करके, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा ए एम अपॉन सॉरी ए एम की जगह पे, डबल ऑफ ए एम की जगह पे आएगा यहाँ पे डबल ऑफ बी एम, क्योंकि अब हमें इधर वाले का चाहिए ना, क्योंकि ये ट्राइंगल है। डबल ऑफ बी एम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे डबल ऑफ क्यू एन, बी एम अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मतलब इन ट्राइंगल्स की रेशियो आ जाएगी। एंगल्स हमने ऑलरेडी बी एंड क्यू इक्वल लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे भी ऐसे ऐसे सिमिलरिटी लग जाएगी और ये चीज सिमिलर आ जाएगी। बस आगे कुछ नहीं पूछना हमें, ये वाला पार्ट जो आपने खुद करना है, बाकी जो बचा हुआ है। ओके, इतना पोर्शन हमने कर दिया। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आर एक्सरसाइज, इज आफ्टर दैट देयर इज द एक्सरसाइज 7 पॉइंट, आई थिंक तो 3 है, सॉरी 6.3। तो ये नोट कर लीजिए। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.3। सो व्हाट इज इन दिस सम, स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इनमें से ये पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ये फर्स्ट पेयर ऑफ ट्रायंगल है, ये सेकंड पेयर ऑफ ट्रायंगल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ वन है, ये दोनों, और ये सिक्स्थ वन है। मतलब कि इनको चेक करना है भी इनमें से कौन से सिमिलर हैं और कौन से नहीं, और अगर सिमिलर हैं तो कौन से क्राइटेरिया से हमने उनको सिमिलर लिखा। ठीक है, अगर अगर वो सिमिलर है, कौन सा क्राइटेरिया भी यूज कर लिया, तो उनको लिखने का तरीका क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताना है कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल के सिमिलर है। मतलब कि अगर ये इसके सिमिलर है तो हमने लिख के बताना है वो ये सिमिलर है ये। ओके, तो लेट्स डू दिस सेकेंड पार्ट ओनली, बिकॉज फर्स्ट पार्ट साफ पता चला 60 60 80 80 40 40, ए ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर होगा। तो सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ट्रायंगल डिफरेंस है, जे ऐसे बना दो ढाई तीन, ऐसे बना चार पाँच छः, मतलब कि दो का डबल चार, ढाई का डबल पाँच, तीन का डबल छः। तो ये यहाँ पे जो साइड पे है ना टू, वो उसी सिमिलर ट्रायंगल जो इसके जैसा सिमिलर है ये पता चल रहा है, पर वो पड़ा कैसे हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब कि ये ऐसे सीधा खड़ा कर दे इसको, थोड़ा सा बड़ा कर दे तो पी क्यू आर बन जाएगा एक तरह से। मतलब कि बेस टू वाला जो है उसका इसी ट्रायंगल को डबल करके इस बेस के ऊपर ऐसे खड़ा कर दिया हुआ है, बस पड़ा किसी और तरीके से है दोनों सिमिलर है। कौन कौन सी चीजें सिमिलर है, ध्यान से देखो, ए बी अपॉन पी क्यू, सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे सॉल्व करना है इसको, ए बी अपॉन पी क्यू सॉरी ए बी अपॉन क्यू आर है, क्यू आर है ना, पता तो चल रहा है हमें, पर सॉल्व करके बताना है। ए बी अपॉन क्यू आर इज 1/2। ओके, ऐसे ही बी सी अपॉन पी आर, बी सी हमारा 2.5 है और ये 5 है, ढाई जो 5, ढाई का डबल होता है 5, तो ये पूरा ऐसे काट दो, 1/2 आ जाएगा इसका भी, बी सी अपॉन पी आर भी 1/2 आ गया। इसी तरह से थर्ड साइड अब रह गई ए सी अपॉन बी क्यू, हमारी क्या है ये 3/6, तो ये भी 1/2 बन गया, तीनों 1/2 आ गए। सो बाय एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कौन से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर इसको मैसेज लिख रहे हैं ए बी सी लिख रहे हैं, अगर इसको ऐसे दो से ढाई वाली साइड की तरफ जा रहे हैं तो इसका डबल देखो, चार से पांच वाली साइड की तरफ लिखना है इसको, क्यू आर पी लिखेंगे इसको, अगर ए बी सी लिख रहे हैं तो इसको क्यू आर पी लिखेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, मतलब लिखने का तरीका भी वैसे ही होना चाहिए जैसे ट्राइंगल्स पढ़े कैसे, वो नहीं दिक्कत, ऐसे नहीं लिखना पी क्यू आर नहीं लिखना इसको, क्यों, क्योंकि इस ऐसे अगर लिखते हैं छः से चार की तरफ जाते हैं तो हमारी जो साइड से हमने कंपेयर की है वो गलत हो जाती है। कंपेयर कैसे की, इसको इसके साथ किया, तो ऐसे लिखेंगे ए बी सी तो क्यू आर पी होगा,
ऐसे ही बाकी के ट्राइंगल्स में होगा। लास्ट ट्राइंगल में थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है, आप कहेंगे ये ट्राइंगल तो एंगल्स तो सेम सेम है, बट 70 है उधर 30 है, तो ये सेम नहीं है। बट क्या है, ध्यान से देखो इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगाओगे 80 प्लस 70 दैट इज 150, तो थर्ड एंगल हमारा 30 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लेनी, यहाँ पे थर्ड एंगल हमारा 70 होना चाहिए। अब देखो हो गया सही, ठीक। तो क्या करना है आपने, पहले इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल 30 डिग्री निकाल के बताना है, इस पे भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये एंगल सॉरी पी एंगल 70 डिग्री वाला निकाल के बताना है। ये हमें पहले गिवन नहीं है, ये इन दोनों पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो गए। उसके बाद आपने लिखना कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो कौन डी ई एफ इज सिमिलर टू बी क्यू आर, तो क्योंकि वो ऐसे ही सेम सीधे सीधे बने हुए हैं, ठीक है। बाकी के पार्ट्स आपने खुद करने हैं, जहां पे नहीं होगा सिमिलर वहां पे आपने बता रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 2.7 आएगा, 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, ये तो हो रहा है डबल हो रहा है, बट 2.7 का डबल 5 नहीं है, तो ये रेशियो हमारी गलत होगी, तो ये सिमिलर नहीं है। दो रेशियोज कंपेयर करके बतानी, तीसरी रेशियो दो रेशियोज के बराबर नहीं आएगी, तो ये सिमिलर नहीं है। बस ऐसे ही आपने बाकी चेक करने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है, देखो 2.5 और 3 वाली साइड के बीच में नहीं, साइड पे है 80 डिग्री एंगल, पर यहाँ पे 2.5 का डबल 5 3 का डबल 6 उनके बीच वाला एंगल 80 है, तो ये भी सिमिलर नहीं है। यहाँ पे तो एस ए एस कंप्लीट हो रहा है, पर यहाँ पे ए एस एस ऐसा तो कोई रूल है ही नहीं, तो ये दोनों भी इस कारण सिमिलर नहीं होंगे। जो साइड्स बोली गई हैं उनके बीच वाला एंगल इधर वाली साइड्स के बीच वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, तभी ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ऐसे हर एक चीज को सॉल्व करके बताना है, ओके। तो ये नोट कर लीजिए, वी विल मूव ऑन टू द सेकंड सम नाउ। सो दिस इज द सेकंड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो ये फिगर दी हुई है, फिगर 1, इसमें क्या दिया हुआ है, दिस एंगल इज 70 डिग्री, दिस एंगल इज 125। फाइंड आउट करने को बोला हमने, और उन्होंने हमको DOC दैट मीन्स दिस वन ये पूछा है, DCO दैट मीन्स दिस वन, और OAB दैट इज OAB दिस वन, ओके। ये तीन एंगल्स जो हमें फाइंड आउट करने को बोले गए हैं, तो ये सारा आएगा गिवन में, ठीक है। और फाइंड वाला जो है उसमें लिखेंगे टू फाइंड, बस टू फाइंड के आगे ये सारा कुछ आ जाएगा, तीनों चीजें फाइंड करनी है। जब भी हम करते हैं गिवन और टू फाइंड वाला, तो क्या लिखते हैं सॉल्यूशन, गिवन और टू प्रूफ वाले में प्रूफ, गिवन और टू फाइंड वाले में सॉल्यूशन, ओके। तो ध्यान से देखिए सम को, जब भी ऐसे सम आता है ना, दो लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, ट्राइंगल एक ऊपर एक नीचे बन रहा है, तो हमने सिमिलर प्रूफ करना है, या कॉन्ग्रेंट भी हम करते रहे हैं पिछली क्लास में, तो ध्यान से देखिएगा ये ऐसे होते हैं हमेशा, एक ऐसे साइड टू साइड नहीं होते, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। तो मेरी थंब साइड वाला इसकी थंब साइड वाले के बराबर होगा, या मेरी स्मॉल फिंगर वहां की वहां वाली स्मॉल फिंगर के बराबर होगा। मतलब क्या है, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और मिडल फिंगर तो मिडल के साथ जुड़ रही है, तो मिडल मिडल के बराबर है, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, सिमिलैरिटी वाले में हमेशा ऐसे, थंब इज इक्वल टू थंब, स्मॉल फिंगर इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट फिंगर, एंड मिडल फिंगर इज इक्वल टू मिडल फिंगर, दैट इज दिस दीज एंगल्स। तो एंगल्स कैसे निकालने हैं वो तो हमें पता चल गया, क्योंकि हमें सिमिलर बताए गए हैं, ये इसके बराबर है ये तो पता है, ये इसके बराबर ये भी पता है, ये भी निकालने हैं। तो पहले क्या है, एंगल्स निकालो, फिर उसके बाद आप किस कौन किसके सिमिलर है, किसको क्या लिख सकते हैं, वो बात की बातें हैं, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट द एंगल्स फर्स्ट। तो ध्यान से देखिए, ये एक DOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो 125 डिग्री वाला एंगल और ये एंगल, दैट कम्स आउट टू बी सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स इन दोनों का सम 180 होगा, एज DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180, दैट इज लीनियर पेयर लिख देंगे इसको। BOC ऑलरेडी पता है हमें 125 है, DOC तो निकालना है, हो जाएगा माइनस, ओके। तो एंगल DOC कितना आ जाएगा, 55 डिग्री, तो फर्स्ट एंगल आ गया। अब पूछा उन्होंने DCO,
तो डीसीओ कैसे आएगा? दिस वन डीसीओ ट्राइंगल, ऊपर वाले को सिर्फ देखो, डीओसी वाला ट्राइंगल, इसमें बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम निकाल सकते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली क्या होगा? एंगल डीओसी प्लस एंगल एक और दिया होगा हमें, दैट इज सीडीओ प्लस एंगल तीसरा डीसीओ जो पूछा हुआ है इज इक्वल टू 180। डीओसी अभी हमने निकाला है दैट इज 55, सीडीओ दिया हुआ था हमें 70 और डीसीओ निकालना है हमें, इन दोनों का एड 125 हो जाएगा। ओके सो वो भी इधर जाके हो जाएगा माइनस। इट बिकम्स अगेन डीसीओ भी आ गया हमारा 55। अब बात करते हैं सिमिलैरिटी वाले ट्रायंगल्स की कब यूज होगा। ऑल्सो ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, सो इसका ये एंगल इसके सिमिलर होगा, दैट इज एंगल डीसीओ इज इक्वल टू एंगल OAB by CPST, तो DCO तो ऑलरेडी हमने निकाला 55 फ्रॉम 1 लिख लो इसको, फ्रॉम 155 डिग्री इज इक्वल टू OAB, दैट मीन्स OAB कितना आ गया, ये भी आ गया 55 डिग्री। ठीक है, सो ये था हमारा बहुत ही सिंपल सम। एक बार अगर आप चेक करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ओ ए बी भी आ गया हमारा। सो ये था हमारा सेकंड सम, इसको आप नोट कर लीजिए। वी विल मूव ऑन टू द थर्ड सम नाउ। नेक्स्ट थर्ड सम ऑफ दिस एक्सरसाइज इज डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, सो यहां पे लिखना भूल गया O, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया प्रूव दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। ये बहुत ही सिंपल सम है, समझना जरूरी है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, अब इसके बाद क्या है, विद AB पैरेलल टू DC ट्रेपेजियम के बारे में बताना शुरू कर दिया उन्होंने भी, इसमें ट्रेपेजियम में कौन कौन सी साइड पैरेलल है। अब यहां से इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये क्या इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट ओ, जिनकी पहले बात शुरू की थी डायगोनल एसी और बीडी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, जिस एबीसीडी ट्रेपेजियम के जिसकी एबी पैरेलल टू डीसी है, तो इसको ध्यान से समझना होता है बस। तो क्या करना है आपने, ट्रेपेजियम बनाना है बस, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ी लाइन बनती जा रही है थोड़ी सी, ए बी सी डी, ए बी पहले टू डी सी बोला था उन्होंने और डायगोनल ए सी एंड बी डी, तो वो भी हो गए इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ, वो भी हो गया। ठीक है, क्योंकि फिगर दी नहीं थी हमने, फिगर बना ली, तो गिवन में आ जाएगा। चलो ये मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ के उसको समझ के लिखो क्या दिया हुआ हमें गिवन में, ए बी सी डी is a trapezium, इसमें AB parallel to DC है बस, AC and BD intersect each other at O, O पे intersect कर रहे हैं AC और BD एक दूसरे को, ये given हमें, हमने prove क्या करना है, OA upon OC is equals to OB upon OD, OA OC OB OD, that means इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है, इनको सिमिलर प्रूव करना है, सिंपल सी बात है।
इसमें आ जाएगा प्रूफ में, मैं सिर्फ बताऊंगा करना आपने खुद है, ठीक है। प्रूफ में क्या, आप देखो मैंने आपको बताया जब भी ऐसे क्रॉस कर रहे हो ऊपर और नीचे ट्रायंगल बन रहे हैं तो ऐसे लेफ्ट थंब साइड इज इक्वल टू थंब साइड एंड स्मॉल फिंगर साइड इज इक्वल टू स्मॉल फिंगर साइड। तो दैट मीन्स इसमें ये एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं, क्यों क्यों लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी है, ए सी इज द ट्रांसवर्सल, सो एंगल दिस वन एंड टू लिख लो, चलो एंगल वन एंड टू इक्वल। और ये देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हमारे दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने पे भी हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा सकते हैं। सो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हो जाएंगे बाय ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अगर अदरवाइज अगर आप तीसरा एंगल भी चाहते हैं तो आपने ए बी पैरेलल टू डी सी लिख के बी डी ट्रांसवर्सल ले लेनी है और ये दोनों एंगल्स भी आपने इक्वल लिख लेने हैं अगर आप चाहते हैं लिखना, तो फिर ट्रिपल ए क्राइटेरिया बच जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, जो जो फिर दिया हुआ है ओ ए अपॉन ओ सी, मतलब ये साइड अपॉन दिस साइड होगी ना, क्योंकि ट्रायंगल्स अगर ऐसे बने हुए हैं तो दैट मीन्स इसकी ये वाली साइड लेफ्ट हैंड वाली साइड इसकी राइट हैंड वाली साइड के रेशियो और इसकी राइट हैंड साइड वाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड की रेशियो बराबर होगी, तो सिमिलरिटी में ऐसे होता है। ओके तो ये आपने खुद कर लिया, मतलब कि आप सिमिलर प्रूव कर दोगे सीधा, उसके बाद ये लिख देना बस आपका काम खत्म, सिमिलर प्रूव हो जाएगा बाय सीपीएसटी। तो ये जो समय आपने खुद करना है, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। So this is the next sum, that is the fourth sum of this exercise. Figure 2 is given. QR upon QS is equals to QT upon PR is given. Angle 1 is equal to angle 2 is given. Show that these two triangles are similar. So इनमें क्या है कि अलग अलग तरीके से आपको मैंने रंग जो है पहले तो कैसे करना है इसको वो देखें आप। QR upon QS, QR बड़ा ट्राइंगल, TQR है ना, TQR की बात हो रही है, QR बड़े ट्राइंगल की साइड अपॉन क्यू एस छोटे ट्राइंगल की साइड, ये तो ठीक है। दूसरी साइड पे देखो फिर ऐसे होना चाहिए क्यू टी अपॉन क्यू पी होना चाहिए, बट क्यू पी नहीं है, क्यू पी की जगह पे पी आर है, एक चीज की कमी है, तो इसको सही करना है। ट्राइंगल तो हमारे सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स का एक कॉमन एंगल वन भी तो है ना, तो ये तो सिमिलर ऐसे ऐसे रूल से हो सकते हैं, बट हमें पहले ये करना है कि पी आर की जगह क्यू पी चाहिए हमें, वो कैसे आएगा, आप सिर्फ पहले ये ट्राइंगल देखना है आपने पी क्यू आर, साइड भी ऐसे बना लेते हैं, चलो सिर्फ पी क्यू आर की तरफ देखिए, ये है P, ये है Q, ये है R, ये एंगल वन एंगल टू के बराबर दिया हुआ है। तो आपने नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था हमने, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होती है, तो दैट मीन्स क्यू पी इज इक्वल टू पी आर है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये होगा हमारा गिवन यहां तक, और ये शो दैट वाला है जो हमारा ये टू प्रूफ में लिखेंगे, हमारा आ जाएगा आगे प्रूफ। पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, एन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये हमें गिवन है, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो देन देयर फोर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी इज इक्वल टू पी आर, एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम sides opposite to equal angles of our triangle are equal, ये equal होती है, ninth class में पढ़ा है, जो बच्चे मुझसे triangle check कर रहे हैं वो उनको पता होगा ninth वालों को, ठीक है, कोई ninth का बच्चा भी देखता होता है। तो ये दोनों sides equal हो गई, तो यहाँ पे but हमें क्या दिया हुआ है, but QR upon QS is equals to QT upon PR, तो ये इसको ले लेते हैं इक्वेशन वन, फ्रॉम वन QR upon QS is equals to QT upon PR की जगह पे आ जाएगा QP। अब देखो दो ट्रायंगल्स को देखना है आपने, एक तो हमारा ये ट्रायंगल है अंदर वाला, ये देखना है हमने बाहर वाले ट्रायंगल को पी क्यू आर को, पता चल रहा होगा इजीली, बाहर वाले ट्रायंगल की क्यू आर अपॉन अंदर वाले ट्रायंगल की क्यू एस साइड की रेशियो, बाहर वाले ट्रायंगल की क्यू टी अपॉन अंदर वाले ट्रायंगल की क्यू पी साइड की रेशियो के बराबर है। तो अब ट्रायंगल तो पता चल ही रहा है कौन से लेने हमने, यही वाले सिमिलर जो करने हैं प्रूफ है ना,
सो इन ट्राइंगल इसको ले लेते हैं इक्वेशन ए, यहाँ से नाउ लिखते हैं, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? पहले तो ये लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, फ्रॉम प्रूव डबल लिख दो चाहे या फ्रॉम ए लिख दो क्योंकि हमने नाम तो दिया ही उसके इक्वेशन को। और इन दोनों में देखो ग्रीन वाले का भी रेड वाले का भी एक कॉमन एंगल है, दिस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन, या एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू भी लिख सकते थे, कॉमन। देखो ग्रीन वाले की देखो ये बड़ी वाली साइड ये एंगल और ये बड़ी वाली साइड, और ऐसे ही रेड वाले की ये छोटी साइड ये एंगल और ये छोटी साइड, एस ए एस रूल बन रहा है, एस साइड एंगल साइड साइड्स की रेशियो, बीच वाला एंगल फिर दूसरी साइड ये वाली साइड्स की रेशियो बराबर दी हुई है, तो एस ए एस कॉन्ग्रेस सॉरी कॉम सिमिलैरिटी रूल लग रहा है। सो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल कौन कौन से, पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, हो गया प्रूव, इट इज एज सिंपल एज दैट, बहुत इजी है। ठीक है तो नेक्स्ट सम करते हैं, वो देखते हैं अगर हमारे पास टाइम बचता है तो एक आध सम और कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट सम विल बी आर लास्ट सम। ठीक है तो ये नोट कर लीजिए, तो ये है हमारा नेक्स्ट सम इस एक्सरसाइज का, दैट इज द फिफ्थ सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। ऑलरेडी मैंने डायग्राम बनाया है, वैसे ये गिवन में नहीं है, गिवन नहीं है हमें डायग्राम, हमें खुद बनाना है। तो ये देखिए ध्यान से, ये एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पहले मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया, एस कहाँ पे है पी आर के ऊपर यहाँ पे, और टी कहाँ पे है वो क्यू आर के ऊपर है, बट इस हिसाब से है कि जो एंगल ये वाला है ना वो इसके बराबर है, तो थोड़ा सा अंदाजे से मैंने बनाया है टी और एस, ऐसे जगह पे पॉइंट्स ले लिए कि ये एंगल और ये एंगल का मेजर सेम लगे दिखने में, आपने भी ऐसा ही ड्रॉ करने की कोशिश करनी है, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल दिए हुए हैं। ओके ऑलरेडी ये दोनों इक्वल गिवन है, हमने प्रूव करना है आर पी क्यू दैट इज आर पी क्यू ट्राइंगल एंड आर टी एस ट्राइंगल सिमिलर हैं, दो एंगल्स तो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ इक्वल दिए हुए हैं, दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल आर बड़े ट्रायंगल का भी है और छोटे ट्रायंगल में भी आर एंगल कॉमन है, सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वी कैन राइट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जो उन्होंने पूछे हैं बस पहले लिखना है आप इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन, वो में गिवन है एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, सो बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, सिंपल ये खुद करना है आपने, मैंने सारा बता दिया है बट फिर भी आप करके मुझे दिखाइएगा। ओके तो एक हमारे पास टाइम बच गया है थोड़ा सा, तो नेक्स्ट सम भी कर लेते हैं, तो क्योंकि इस चैप्टर में सम्स थोड़े ज़्यादा है सॉरी एक्सरसाइज में सम्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो कोशिश करेंगे जितने भी हो सकते हैं जल्दी से जल्दी कम पार्ट्स में हम कवर कर पाएं, तो ये नोट कर लीजिए फिलहाल के लिए। सो ये हमारा सिक्स सम इस एक्सरसाइज का, ये हम लास्ट आई यही सम करेंगे, इसके बाद वाले सम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें इन द फिगर थ्री, सो ये है फिगर थ्री, ये ऑलरेडी गिवन है हमें, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ ऑलरेडी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, सो व्हाट इज ए बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए सी डी, सो दीज आर कॉन्ग्रुएंट, सो वी विल ड्रॉ इट सेपरेटली, अगर हम इसको सेपरेटली ड्रॉ करते तो ऐसे होगा ये कुछ। ठीक है ये बन गया हमारा ए बी ई, और अगर हमने ए सी डी बनाना है तो क्या कैसे बनेगा, लाइक दिस, ओके। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इनके पार्ट्स इक्वल लिख सकते हैं, ये छोटा वाला छोटी साइड के इक्वल, सबसे बड़ी वाली के इक्वल, बी डी सी के इक्वल लिख सकते हैं, बट हमें लिखेंगे वही जो हमें रिक्वायर्ड है। ओके तो वही वाला लिखेंगे, जस्ट आपको पता चल रहा होगा ये सारा गिवन में है और ये वाला टू प्रूव में है। ओके शो दैट वाला टू प्रूव में है, तो प्रूफ हम करेंगे सीधा, सिंस ट्राइंगल ए बी ई इज
कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं देन व्हाट वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू रेड वाले की रेड ग्रीन वाले के साथ ए ई इज इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं, ओके और क्या लिख सकते हैं, रेड वाले पहले रेड वाले की लिखी ना हमने ए ई, अब फिर से रेड वाले की लिखनी है ए बी ए सी के इक्वल है, तीसरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं जरूरत है तो कोई बात नहीं, ये दोनों से भी हमारा काम चल जाएगा, बताता हूँ कैसे, ये दोनों हम लिख रहे हैं बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रेंट के लिए हम सीपीसीटी लिख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स देखते थे हम, तो इसमें वही है बाय डिवाइडिंग द अबव टू इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशंस, ये दोनों ऊपर ए ई एंड ई डी, ए बी एंड ए सी इक्वल जो लिखे हमने, इनको डिवाइड करते हैं अगर हम, तो क्या बनता है ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी हो सकता है, ओके अब ये ध्यान से देखेंगे, अगर आप जस्ट इनकी अगर हम ए बी इक्वल टू ए सी लिख देते हैं तो ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी भी हो सकता था, तो दैट्स योर चॉइस, इजीनेस के लिए अगर हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए बी तो भी एक ही बात है, यहाँ पे ए सी आ जाएगा बस, यहाँ पे ए बी आ जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, बताता हूँ कैसे, देखिए ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल ए डी अपॉन ए बी, ट्राइंगल्स थोड़े से सिमिलर इजी प्रूव हो जाएंगे हमारे लिए, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ए, अब लेने हैं इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी लेने हैं हमने, ए डी ई ए और ए बी सी तो पता चल ही रहा है वैसे, बट फिर भी रेड से ड्रॉ कर देते हैं, साफ दिख रहा है, ओके छोटे ट्राइंगल की ए डी अपॉन बड़े ट्राइंगल की ए बी साइड, ए ई छोटे ट्रायंगल की और बड़े साइड बड़े ट्रायंगल की ए सी साइड, रेशियो बराबर है, दी हुई ऑलरेडी निकाल दी हमने, तो ये लिख लेंगे फ्रॉम ए, ये हमें यहां वहां से पता चला, और दोनों ग्रीन और रेड का दोनों का कॉमन एंगल कौन सा है, एंगल ए, तो हमारा साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया सिमिलरिटी का पूरा हो रहा है, सो बाय एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, यही प्रूव करना था हमें, ध्यान से इस चीज को देखना होता है, अलग अलग कलर्स यूज करने का मतलब ये है कि आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओ कि क्या मैं बताना चाहता हूँ, कौन से ट्रायंगल्स की बात हो रही है, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी करते रहेंगे सॉल्व, आप कोई और समझ भी करेंगे तो आपको फिर ये अलग अलग कलर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली पता चलता रहेगा कि कैसे सॉल्व करना है, इट विल बी इजियर फॉर यू, अगर आप इसको विदाउट कलरिंग डिफरेंट कलर्स भी अगर आप करते हैं तो भी आपको इजी समझ आना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिस इट मेक्स द मैन परफेक्ट, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस जितना करोगे मैथ्स उतना ही परफेक्ट होता जाएगा आपका, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज का हमारा जो लास्ट सम था इस वीडियो का वो यही है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़े सम्स बड़े भी हैं इसमें, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था चाहे सिलेबस रिवाइज जो आया है वो रिड्यूस हो चुका है, कुछ टॉपिक्स मिस भी हो चुके हैं, बट हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके, आपको इन फ्यूचर आप कुछ भी करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीटेक करते हैं, बीसीए करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें मैथ्स आता ही आता है, तो उनमें से कोई भी टॉपिक वहां पे रिपीट हो जाएगा तब आप ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हमने 10th क्लास में COVID-19 के कारण हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ था, हमने नहीं पढ़ा ये वाला, वो आपको टीचर कहेंगे यार ये तो कोई बात नहीं बनती, करना तो पड़ेगा, चाहे तब हुआ था चाहे नहीं हुआ था, अब तो करना पड़ेगा, तो तब भी तो करोगे ना आप, वाई डोंट नाउ, सो इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सारा कंप्लीट करेंगे हम पेपर में, फाइनल में आप तैयारी बस उस चीज की कर लेना जो आपको आना है, रिड्यूस वाले को छोड़ देना, जो आपको छोड़ा गया है या टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं तब वो उसको रिवाइज मत करना, बट एक दिमाग में रह जाता है अगर आपने पढ़ा हो तो।
ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को आगे शेयर करते रहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स, और हर एक जो मेरी वीडियो देखता है मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि मेरी वीडियो जो ट्रेंडिंग में आ सके और आपको या किसी और स्टूडेंट्स को भी वीडियो मेरी विजिबल हो। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।